हेलो फ्रेंड्स पवन हियर नीरज हियर हम लोग ऐसी जगह पे जो हमारे पीछे आपको माउंटेन दिख रहा होगा विच इज़ वेरी गुड फॉर हाइकिंग एंड अगर हम कैमरा टर्न करें तो यहाँ देखिए माउंटेन के जस्ट बाजू में एक बहुत अच्छी ट्रैक है जो प्रॉपर एक रेक किनारे चल रही है एंड सीन तो ऐसा लग रहा है जो कैदा में देखा होगा या गोवा में देखा होगा सो दिस इज़ जस्ट ऑसम हम लोग एक्चुअली uh, यहाँ पे अविनाश सर के कैंप आए हैं ज्ञान भारती कैंप एंड uh, वहाँ उसके आसपास है जो डैम है दिस इज़ जस्ट लवली तो डैम का नाम आपको पवन सर बताएंगे इट्स पंचधारा डैम वहाँ से सिर्फ सात आठ किलोमीटर के डिस्टेंस पे है तो हम लोग साइकिल से कल कैंप में आए थे और आज हम लोग यहाँ पर डैम पर आए हैं हमको लगा नहीं था कि इतना बड़ा और इतना ग्रैंड ब्यूटीफुल डैम रहेगा हमको लगा कि ऐसे ही छोटा मोटा वाटर बॉडी रहेगी लेकिन यहाँ पर आकर के सही में औसम वाली फीलिंग आ रही है ऐसा बड़े लग रहा है कि स्टूडेंट्स को फैमिली को सबसे यहाँ पर हम लोग लेकर आए और मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी ऐसे ऐसे जगह एक्सप्लोर करो हमारे काफ़ी नज़दीक में बहुत सुंदर सुंदर लोकेशन है जहाँ पर हम लोग जाते नहीं हमको पता नहीं एंड थैंक्स टू नीरज सर uh, हम लोग ने साइकिलिंग का चैलेंज लिया टूर दी हंड्रेड और आज डे थर्टी नाइन है जिसमें रोज हम लोग थोड़ी थोड़ी साइकिलिंग करते हैं कभी कम कभी ज़्यादा और uh, कल वन ट्वेंटी फाइव किलोमीटर किया आज तो दस बीस किलोमीटर ही कर रहे लेकिन आज हम लोग विलेज के थ्रू होते हुए यहाँ पर आए एंड uh, uh, वापस से कैंप में जाएंगे इट इज़ रियली अ प्लेजरेबल फीलिंग थैंक्स टू अविनाश सर जिन्होंने इतनी सुंदर कैंप साइट बनाए हैं इट्स नियर वर्धा ज्ञान भारती स्किल डेवलपमेंट सेंटर आप लोग भी आ, कभी भी फैमिली के साथ में आ सकते हैं इवन ड्यूरिंग कोविड टाइम्स दिस कैंपसाइट इज़ अ वेरी ब्यूटिफुल सैनिटाइज प्लेस टू स्टे विथ फैमिली एंड फ्रेंड्स सो बेसिकली वही था कि एकदम ऑसम प्लेस एंड ऑसम फीलिंग है ऐसी जगह आके तो बस ये कि आप भी ऐसी जगह ट्राई करते रहो तो डेफिनेटली ये सब चीज़ें बहुत अच्छा फील कराती है कॉन्फिडेंस बूस्ट करती है कुछ नया एक्सप्लोरेशन होता है अभी अभी इंडिया में ना यह सब कल्चर बढ़ने लगा एडवेंचर्स का साइकिलिंग का ट्रेकिंग का तो रिटर्जी बहुत मज़ा आती है हम आपको बता रहे हैं तो एक बार ट्राई कीजिए द डैम्स नेम इज़ पंचधारा डैम आप गूगल मैप्स पर डालिएगा नागपुर से अराउंड एटी सेवेंटी किलोमीटर्स होगा तो यस दैट्स इट एक बार आके देखिएगा सो दिस जस्ट फील्स ऑसम नेक्स्ट टाइम हमारा टारगेट है कि हम इसका पूरा सकम फ्रम से फिट करेंगे देखते एक बार परमिशन वगैरह क्या लगती है क्या नहीं एंड आप लोगों की भी जो आस पास की कोई प्लेसेज आपको भी पता होगा कोई ब्यूटीफुल लोकेशन तो हमें बताइए बिकॉज वी वुड वॉन्ट टू कम एंड विजिट दोज प्लेसेस हम लोग एक्सप्लोर करना चाहते हैं बिकॉज लाइफ इज नॉट जस्ट अबाउट वर्किंग और जस्ट वन एलिमेंट हमने एक बढ़िया एक मिक्स रखना चाहिए लाइफ में बहुत सारी चीज़ें हम लोग कर सकते हैं जिसमें बहुत कॉस्ट भी नहीं लगती है इट इज़ जस्ट अबाउट योर इन्वॉल्वमेंट आप कितना टाइम दे सकते हो और कितना एक्सप्लोर करना चाहते हो हाउ मच आर यू विलिंग टू गेट आउट ऑफ योर कम्फर्ट जोन तो अभी तो ऐसा लगता है कि कम्फर्ट जोन के बाहर नहीं जाए तो हम लोग अनकम्फर्टेबल हो जाते हैं सो विशिंग यू जिन लोगों के एग्जाम्स चल रही है विशिंग यू ऑल द बेस्ट एंड uh, बाकी भी हमारे स्टूडेंट्स को हमारी तरफ से बेस्ट विशेष आई होप टू मीट यू ऑल सून एंड बाय बाय थैंक यू एंड ऑल दी बेस्ट बाय बाय